सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज से एक हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि गैलेक्सी J2 Pro 2018 जो है सैमसंग बनाने का सोच रहा है। एंड गाइस, उस टाइम जब वो मैंने बताया तो मैंने बोला था कम्प्लीटली गाइस मेरा र्यूमर है, एंड सैमसंग ने ऐसा कोई कहीं पर नहीं बताया, बट मैंने जो थोड़ी बहुत वेबसाइट्स में पढ़ा था और मेरे को जो लग रहा था ऐसा हो सकता है, तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। बट गाइस, फाइनली मैं सच साबित होने जा रहा हूँ 90%, नॉट 100% बट 90%। सो गाइस, आज मैं स्टूडियो में बात करने जा रहा हूँ आपसे सैमसंग गैलेक्सी J2 Pro 2018 की स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब जो J2 Pro है वो रिलीज करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया सैमसंग ने सोच लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक उसका लीक भी आ चुका है जो कि है Geekbench का स्कोर ऑफ J2 Pro 2018। सो गाइस, यहाँ पे हमारे को जो अगर मैं बताऊँ को CPU कौन सा मिलता है, तो यहाँ पे हमारे को मिलता है Snapdragon का 430 विद क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि क्लॉक्ड है 1.4 GHz पे। तो गाइस, हमारे को इसमें रैम मिलती है वो है 2GB की रैम, और जो इसके अंदर OS रन हो रहा है वो है 7.1.1 Nougat। तो ये जो फोन है ये कंपीट करेगा Redmi Y1 एंड Redmi Y1 Lite और जो बजट रेंज स्मार्टफोन्स है Lenovo K8 Plus एंड ऑल दैट। तो गाइस, अगर आपको और भी देखने को मिलता है जो कि स्क्रीन साइज मैं बताऊं, तो इधर आपको देखने को मिलेगा 4.8 इंच की HD स्क्रीन। सो गाइस, यहाँ पे आपको कोई लाइक 5.5 इंच या फिर 5 इंच की स्क्रीन नहीं मिल रही। जो स्क्रीन साइज वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा ग्राइप हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड अगर बात करूँ GPU की, तो यहाँ पे आपको मालिका T720 GPU देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। सो गाइस, अगर उस तरफ से मैं बात करूँ आपको इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज कितनी मिलती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 25GB की इंटरनल स्टोरेज। सो गाइस, पहली बार देख रहा हूँ कि 25GB कोई फोन ऑफर कर रहा है, लाइक अनयूजुअल सा है 25GB का लाइक स्पेस, बट पता नहीं गाइस क्या हो सकता है फाइनल रिजल्ट, वो हमें नहीं पता, बट यहाँ पे जो अभी तक लीक हुआ है मैं तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। देन गाइस, अगर बात करूँ बैक कैमरा की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12MP का एक कैमरा जो कि रिकॉर्ड कर सकता है फुल HD वीडियोज। सो गाइस, आपको सामने की तरफ देखने को मिलता है 7MP कैमरा एंड दैट इज केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग फुल HD वीडियोज। सो गाइस, एक बहुत मैं कहूँगा कि ठीक ठाक ही कैमरे हैं, कोई ज़्यादा मैं इस फ़ोन से चाहता भी नहीं कि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म करे, बट गाइस मेरे को लगता है जो ये फ़ोन का प्राइस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 8000 या फिर 9000 होगा, तो उस फैक्टर में ये जो स्क्रीन है गाइस बहुत बड़ा ग्राइप बनने वाली है मेरे, जैसे मैं अगर मानूँ तो गाइस मैं इस फ़ोन को रिकमेंडेशन में नहीं लूँगा, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन प्रेजेंट इन द मार्केट विद द सेम प्राइस बजट। एंड गाइस, मैं तो यही कहूँगा जब आप लोग इतना पैसा स्पेंड करेंगे तो आप बड़ी स्क्रीन भी ज़रूर चाहेंगे। तो गाइस, पता नहीं अब क्या होता है इसकी फाइनल स्पेसिफिकेशन, बाकी गाइस जो अभी तक रिलीज़ हुआ है मैं तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। एंड गाइस, अगर मुझे इस फोन के बारे में और कुछ पता चलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट गाइस, अगर आज आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा कॉमेंट, मेरे कॉमेंट सेक्शन जरूर बताना। एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, रेस्ट गाइस।